मैं इस वक्त हूँ भैया अफगानिस्तान के अंदर, काबुल सिटी के अंदर। शुक्राना ब्रदर, बहुत अच्छा लगा आपसे। ये देखो स्टोर है पूरा भाई, उक्के पुक्के पता नहीं क्या क्या बिकते हैं यार। आप इंडिया से हो? झूठ बोल रहे हो। मैं जिन बच्चों को मैंने समोसा लेके दिया ना, इतने खुदार बच्चे थे भाई, मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी काबुल में इस तरह का कुछ माहौल। यहाँ जनरली लोग ना पठानी पहनते हैं, ये देखो मॉडर्न लड़के हैं यहाँ के। आप इसको देख के कह नहीं सकते कि आप काबुल के अंदर, इतना शानदार रेस्टोरेंट है भाई। और ये हाई कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिस रेस्टोरेंट में भाई साहब, उन्होंने ना एग्जैक्टली एक पूरा बफे बना रखा है और यहाँ का एक स्पेशल मील होता है। हमें उम्मीद नहीं थी कि काबुल के अंदर इतनी चहल पहल होगी। पूरी बिल्डिंग दिख रही है ना, ये आपका गुलबहार मॉल है, यहाँ का जबरदस्त सबसे बड़ा मॉल। शुक्राना। तो भाई लोगों का प्यार देख सकते हो, बहुत मौत है, निडोर मौत है। क्या यू आप? कुछ नहीं, शुक्राना। नहीं नहीं शुक्राना। सो वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं इस वक्त हूँ भैया अफगानिस्तान के अंदर, काबुल सिटी के अंदर, और सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँगा तो भैया यहाँ के लोग इतने ज़्यादा फैमिलियर, इतने ज़्यादा हंसमुख, और हर कोई भैया हमें अपने साथ अपने घर ले जाने को तैयार बैठा हुआ। भाई सच बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हाल फिलहाल अभी एक वॉक करते हुए चल रहे हैं, मेरे पीछे जो मार्केट थी गुलबहार मार्केट से अभी आए नीचे, पर रोज़ा करके ना, रमज़ान करके इन्होंने जल्दी बंद कर दिया है। फिलहाल हम जा रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और जगहें देखते हैं, और एक एक जगह एक्सप्लोर कराऊंगा। लोगों का कल्चर, लोग क्यों प्यार करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, क्या बिहेवियर, सब कुछ देखने में मिलने वाला है। और भाई को एक्सप्लोजर पर जाके फॉलो कर लेना, और भी बहुत सारे बेनिफिट, ना कि सिर्फ मुझे, आप लोगों को मिलेंगे। फटाफट जाओ। और यहाँ पे बच्चे कुछ पैसे मांग रहे हैं, यहाँ ATM नहीं चलते भाई। लास्ट टाइम मैंने अपना ATM यूज़ करा तो वहाँ मेरा पैसा फंस गया, अब पता नहीं रिफंड आएगा नहीं आएगा, मुझे ये भी नहीं पता। वीज़ा देख के मैं फिसल गया, मैं कहा देख लेते हैं, अगर करंसी निकलती हुई तो बात बन जाएगी, पर नहीं निकली। और आसपास ना जो माहौल है, हेलो सलाम। तो भाई साहब बीच में रुकावट के लिए खेद है, तालिबान भाई ने आके हमारी वीडियो रुकवा दी थी। मैंने बोला ना, हर कोई कहता हमारे साथ चलना, भाई जान फिर दोबारा कह रहे हमारे साथ चलो, आज शाम का खाना, आज शाम हमारे साथ चलो तो अच्छा होगा, कल चलेंगे, कल आप यही मिलना है, कल मुलाकात करेंगे। इधर आपका दुकान है? दुकान है आपका। एक भाई जान और मिले थे, वो भी कह रहे थे साथ चलने के लिए, पर मॉल ही बंद हो गया, फिर हम बाहर निकल आए। ठीक है ठीक है, शुक्राना ब्रदर। नाम क्या है? नाम कैश। ताइस। मोबाइल शॉप ना? कपड़ों का। कपड़ों का है ये? पठानी सूट हमने भी बनवाना है। ठीक है, हमारे शॉप जैसे जीन्स। अच्छा, जीन्स वगैरह का है? वेस्टर्न, वेस्टर्न कपड़े का है। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। हम बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्राना ब्रदर, शुक्राना। ये है काबुल का ट्रैफिक, भीड़ भड़क का, क्योंकि अभी रमजान के टाइम पे ना, अभी सारे जो मार्केट है ना, वो सारी हो गई है बंद। तो भैया सभी लोग जा रहे हैं घर की तरफ, रोजा वगैरह खोलने के लिए। और ये देखो, ये ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल जी ट्रैफिक हटा रहे हैं। सच बताऊं तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे घूम के, और यकीन भी मानोगे कि अभी छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ आ रहे थे, कुछ मांग रहे थे, पैसे वैसे मांग रहे थे, तो मैंने सलाम जी कैसे हो, उर्दू बोलते हैं? हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से। तो उन बच्चों से मैंने बहुत नॉर्मली बोला, भाई कमाल की बात थी, मतलब उर्दू तो नहीं, इंग्लिश समझते थे। मैंने उनको बोला भाई इंडिया से आया हूँ, मेरे पास लिमिटेड पैसा है, और अगर आपको एक को दूंगा तो सारे लोग आ जाएंगे। तो भाई साहब ये सुन के वो समझ गए, और उनके साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाई। फ़ोटो देखो, और बहुत प्यारे बच्चे थे यार, यहाँ के बच्चे बड़े सुंदर, बहुत ही प्यारे हैं, और अच्छा नहीं लगता जब वो मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूर लोगों का काम वाम की दिक्कत है ना, तो बस वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बाकी सब बढ़िया है। सलाम वालेकुम, खैरियत? तो भाई जान मिले हैं, बहुत ज़्यादा प्यार जो कि मिलता ही है, और कोई वीडियो में नहीं आता तो शर्माता है, पर बहुत बढ़िया है, और उर्दू में बात कर लेते हैं तो इसलिए थोड़ा दिक्कत नहीं होता है। शुक्राना ब्रदर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप चक्कर से हिंदुस्तान से आए? हाँ, हिंदुस्तान से आए, हम यही देखने आए हैं कि यहाँ पे जो लोग कहते हैं, लगते हैं अफगानिस्तान लोग कैसे? अफगानिस्तान में लोग बहुत ही अच्छे हैं। मौसम कैसी है? इस वक्त मौसम भी बहुत प्यारा है, लोग तो वाकई में बहुत प्यारे हैं, हर बंदा आपको कहेगा हमारे साथ चलो। शुक्राना ब्रदर, शुक्राना। तो अभी हम एक जगह जा रहे हैं, और शाम को यहाँ पे माहौल बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि जस्ट रोजा खुलने से थोड़ा टाइम पहले ही यहाँ पे आपका अच्छा खासा महफिल, अच्छा खासा माहौल बन जाता है। तो ये है भैया अफगानिस्तान का, काबुल का कुछ ट्रैफिक आप देख सकते हो। एक्चुअली मैंने ना दुबई वाला वो ले रखा था, जैसे भाई ने ले रखा है, तो लोग मुझे सोच रहे थे शायद मैं पाकिस्तान से आया हूँ। बताना पड़ता तो वो मुझसे आगे पूछ रहे पासपोर्ट दिखाओ, तो मैंने दिखाया मैं हिंदुस्तान से हूँ, इंडिया से हूँ। तो ठीक है यार, नज़ारे शायद क्लोज हो जाते हैं, अभी मॉल के अंदर थे, मॉल तो बहुत ज़बरदस्त था, लास्ट व्लॉग देख लेना,
काफी बड़ा मॉल और बहुत कुछ था। वहाँ के लोगों ने यार इतना इन्विटेशन, इतना प्यार दिया ना, सच्ची बता रहा हूँ। बाकी मैं आपको बता दूँ, एक्सप्लोजर ऐप बहुत ज़बरदस्त ऐप है और मैं हर जगह जहाँ जा रहा हूँ उसको पिंग कर रहा हूँ। फ्यूचर में आप आना चाहो तो आप उसको अपनी बकेट लिस्ट में डाल सकते हो और अपनी खुद की प्रोफाइल के थ्रू आप लोगों को भी गाइड कर सकते हो। मेड इन इंडिया ऐप है, जाके फॉलो कर लो। नई नई जगह पे कैसे पहुँचना है, रेस्टोरेंट, मार्केट, होटल, सब कुछ आपको वहाँ पे इजीली सर्चेबल है। इवन वहाँ पे अगर आप ट्रैवल करते हो, क्योंकि वो ऐप ट्रैवल वाले लोगों के लिए है, लोकल लोग जो वहाँ घूमते हैं वो लोगों को आप सर्च कर सकते हो। भाई को फॉलो कर लो प्रोफाइल में जाके फटाफट। सच बताओ तो कुंदूज के अंदर ना जो शाम को माहौल जमता था ना, मतलब बाजार तो छोटा था पर जो मार्केट थी वो ज़्यादा मज़ेदार लगी है। यहाँ पे क्या बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना, सब बंद करके घर चले गए भाई साहब। पूरा देखो सुनसान पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हम भी कोई जगह देख के बैठते हैं और खाते हैं। तो भैया अच्छी खासी डेवलप जगह है काबुल की। ये देखो स्टोर है पूरा भाई, उक्के पुक्के पता नहीं क्या क्या बिकते हैं यार। सही है यार। हेलो ब्रदर, मेरे ख्याल से अभी बंद करने का टाइम हो गया इनका शायद। क्लोजिंग टाइम? नो क्लोजिंग टाइम, रोजा खोलने का टाइम हो गया इनका। यहाँ पे ना इस तरह से केक, पेस्ट्रीज, कुकीज यहाँ भी बहुत खाते हैं लोग, बहुत ही चाव से यार। आपकी शॉप है? मैं हिंदुस्तान से हूँ। अफगानी है, इसकी हमारी दुकान है। आपकी दुकान है, चाय वगैरह बन रही है? रोजा खोल लिया? खुलना अभी? दूध पत्ती है, दूध पत्ती बन रहा है भाई। कोई बड़ा दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चे ने ऐसे मांगते हैं। और सच बताऊं तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि एटीएम पे मेरे पैसे फंस गए, वरना निकल जाते तो मुझे एक तसल्ली हो जाती। हमारे पास पैसा थोड़ा शॉर्ट और आगे कहाँ जाना है अभी वो भी डाउटफुल सा है। बाकी तो मैं चाहता हूँ हेल्प करना। बाकी देखते हैं इनको कुछ खिलाने के लिए लेके देखते हैं। हेलो भाई जान, कोई मिल जाए तो हम भी कुछ खा लें यार। सब अपने रोजा वोजा खोल लिया है। और देखो इस तरह सब्जियाँ वब्जियाँ मिलती हैं यार। कबाब पर बैठेंगे कहाँ? ये जगह अंडर में बैठो। खाने का मिल गया भाई जान। और भाई जान मिल गया उर्दू बोलने वाले। उर्दू बोलते हैं जी भाई? पाकिस्तान से? इंडिया से। इंडिया से तो हम है। अच्छा, आप इंडिया से हो? झूठ बोल रहे हो। नहीं, इंडिया से मैंने 10 साल हुआ। अच्छा, 10 साल वहाँ थे? क्या बात है। क्या नाम है आपका? फजल अहमद। फजल अहमद, दिल्ली में कहाँ थे? मतलब इंडिया में कहाँ थे? दिल्ली में रहते। दिल्ली में रहते थे भाई? दिल्ली वाले मिल गए। मैं भी दिल्ली वाला। दिल्ली में लाजपत नगर। लाजपत नगर में, क्या बात है। अफगानी होटल है, क्या बात है। अंदर हाँ बेटा। नहीं पैन नहीं लेना? नहीं नहीं। तो भाई हम भी बैठते हैं यहाँ। ये सिस्टम रहता है बैठने का, देखो आराम से पैर जूते उतार के आराम से बैठते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था, हम भी आराम से बैठेंगे, चिल करते हैं, खाते हैं। जिन बच्चों को मैंने समोसा लेके दिया ना, इतने खुदार बच्चे थे एक्चुअली, वो ना पेन भेज रहे थे, कह रहे थे पेन ले लो, पेन ले लो। मैं कहा पेन नहीं चाहिए, तो मैंने उनको समोसा दिला दिया। समोसा दिलाने के बाद वो आगे कह रहे पेन ले लो भैया। मैं कहा नहीं यार, पेन नहीं चाहिए। मतलब इतने खुदार बच्चे थे कि मतलब फ्री में समोसा भी नहीं खा रहे थे, कह रहे थे पेन ले लो। मैं कहा नहीं यार, जरूरत ही नहीं है, तुम किसी और को दे दे रहा। मतलब बच्चे बहुत ही अच्छे और समझदार। इससे पहले वाले जो बच्चे मिले थे वो भी बहुत ज़्यादा समझदार थे। बाकी तो क्या ही कहना है, ये तो वक्त की बात है यार। किसी का वक्त अच्छा होता है, किसी का वक्त बुरा होता है। बाकी लोग यहाँ के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारे। और आ चुके हम एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में। जैसे कि आप पता है यहाँ पे इस तरह से खाना खाया जाता है। हमने एक अलग से कैबिन सा ले लिया, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है। ज़्यादा भीड़ होती तो शायद हमें ये कैबिन नहीं मिलता। तो हमने ऑर्डर कर दिया कबाब। वैसे कबाब और रोटी का मज़ा बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप आओ और खाना, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए ना थोड़ा सा समझते हो, जब चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएंगी डेफिनेटली आप आना, एक्सप्लोर करना, मज़ा आएगा आपको। नहीं आ सकते हो तो भाई की वीडियो के थ्रू इन्जॉय करो। आ गया हमारा खाना, देख लो यार। ये है ज़बरदस्त कबाब, ये यहाँ की लोकल रोटी, साथ में ये देते ग्रीन टी जो कि ये कॉमन रहती है हमेशा, और हमने साथ में ड्रिंक भी मंगा लिया। तो भाई खाते हुए मैं आपको चिढ़ाना नहीं चाहता कि काबुल के ज़बरदस्त टेस्ट और कबाब को। तो भाईजान का रेस्टोरेंट, आप ही रहते हो यहाँ पे और कोई रहता है? आप ही रहते हैं। तो भाईजान का रेस्टोरेंट है, काफ़ी मज़ा आया। हमने यहाँ पे कबाब खाए, और मतलब यहाँ पे ब्रेड सिस्टम जो होता है, रोटी सिस्टम ऐसा होता है जो इनके नान होते हैं। घरों पर रोटी तो बनती नहीं, यहाँ पे यही बनाते हैं, यही खाते हैं। पर यहाँ पे मतलब मज़ा आ जाता है, फ्रेश फ्रेश बनती है, फ्रेश फ्रेश खाओ तो मज़ा आ जाता है। शुक्राना आपका, बहुत ही बढ़िया मतलब मज़ेदार टेस्ट। और दिल्ली में रह के आए 10 साल, अफगानिस्तान वापसी आना कैसे हुआ आपका? देश है आपका, चलिए अच्छी बात है। भैया यहाँ की करेंसी जो है ना बड़ी खतरनाक है, मतलब वैसे कोई खतरनाक नहीं है। खतरनाक इसलिए क्योंकि भैया यहाँ पे आप नोट के 2-3-4 टुकड़े ला के जोड़ दोगे ना टेप से, वो भी चल जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो नोट है ना यहाँ पे 1000 का है, ये देखिए। और इसके ऊपर बनी हुई एक मॉस्क, एक टाइम पहले बराबर करेंसी थी इसकी, हाल फिलहाल थोड़ी स्ट्रांग हो गई है। यानी हमारे यहाँ का लगभग 1100 रुपये या 1150 रुपये होते होंगे। उसके बाद ये आपको नए नोट दिखा रहा हूँ, फटे वालों की भी हालत दिखाऊंगा। तो ये है 500 का नोट यहाँ का, ये देखो कलर बहुत प्यारा है इसका। उसके बाद बीच में एक 100 का नोट आता है, वो नया नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको नए में 50 का नोट दिखाता हूँ, ये 50 का नोट है। और अब आप हाल दिखाता हूँ आपको फटे नोटों का। फटा नोट देखो, ये हाल, ये देख रहे हो नोट, देख रहे हो पूरा इधर से चीतरे चीतरे हो रहे हैं। अगर दो नोट भी टुकड़े हो जाएंगे ना, ये तो भी यहाँ चल जाएगा। ये 500 का नोट है, और दिखा रहा हूँ आपको। मतलब ऐसे मुचड़ा पुचड़ा कहाँ कहाँ से निकाला होता है ना, वो नोट है।
और लोग जब मुझे दे रहे थे ना, मैं सोच रहा था ये नोट का मैं करूंगा क्या, मतलब कहाँ लेके जाऊंगा, मेरे पर्स में तो फट जाएगा, पर यहाँ नोट चलता है। देख रहे हो नोटों के हाल, ये यहाँ 50 का हाल, ये देखो ये 10 का नोट, बुरे हाल, बहुत ज़्यादा बुरे हाल। जैसे वो रखा होता है रद्दी के अंदर, जैसे मतलब दादी हमारी, पहले दादी छुपा देती थी नोट और खजाने में निकल आते थे, ओ भाई साहब लॉटरी लगी, वैसे नोट है भाई। तो मज़ा आ रहा है और उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा हो, और हम यहाँ पे आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कॉमनली मतलब दुकानों पे ना ओपनली बंदूकें बिकती हैं भाई, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और बाकी यहाँ पे ग्रीन टी बस पीते हो निकलते हैं, और मात्र पिलाया 250 रुपये का, सॉरी शाम के वक्त ना ऑलमोस्ट सारी मार्केट बंद हो जाती है, सब चले जाते हैं और हम भी चलते हैं। तो भैया जाते जाते मैं देख रहा था, इन्होंने फोटोग्राफ्स लगा रखी है पुराने अफगानिस्तान के कल्चर की यादें। देखो ये देखो ऐसे ऐसे टाउन थे, पूरा पुराना पुराना कल्चर जो इन्होंने बना रखा, बड़ी बड़ी फोटो लगा रखी है, छोटी मोटी बनी, जैसे गाँव के अंदर कैसे कैसे करते थे। तो ये अफगानिस्तान भी दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको मज़ा आएगा। हर रोज़ कोई ना कोई कहता भैया हमारे साथ चलो, हमारे घर चलो, तो डेफिनेटली देखेंगे एक आधा रोज़ा और किसी के साथ खोलेंगे। हम नहीं चाहते यार किसी के घर पर जाके ना कैमरा उनके मुँह पर मारना, जो कंफर्टेबल होगा डेफिनेटली चलेंगे, क्योंकि हमें 2-3 रिक्वेस्टें आ चुकी है कल हमारे साथ जाना है आपने। भाई अफगानिस्तान भी डिजिटल अफगानिस्तान है, यहाँ देखो UPI सिस्टम यहाँ भी चलता है भाई, कमाल हो गया। और यहाँ देखो न्यूज़पेपर कोरिया से आ रहा है तमाम रैप करने के लिए। ये शरनाओ जगह है, तो काबुल के अंदर ये सबसे फेमस जगह यही है शरनाओ। तो भाईजान मिले हैं, और वैसे देखो रेस्टोरेंट्स में हम ऑलरेडी खा के निकले हैं, और भाईजान हमें कह रहे हैं भैया मेरे साथ चलो मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। मतलब यहाँ के लोग हर कोई दिलदार है, मतलब इंडिया का नाम सुनते ही ना ये मतलब प्यार निकल आता है। शुक्राना इसका, तो मतलब सच्ची में बहुत ज़्यादा हमें मतलब यहाँ पे ऐसा घर फील हो रहा है कि हम इंडिया वाले हैं और यहाँ घूम रहे हैं। और आपको सच बताऊँ ना, तालिबान वगैरह जो आप लोग इतनी इतनी बातें सुनते रहो, वो भी कुछ नहीं कहते, इतने प्यार से, इतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और कई लोगों के साथ हमने फोटो खिंचवाई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लोग हमारे, आपके मुल्क के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और इंडिया वालों को वाकई बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो शुक्राना इस चीज़ के लिए। तो भाई यहाँ का माहौल ना थोड़ा शाम का कुछ रोज़ों के बाद कुछ ऐसा है, रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी दिख जाएंगे, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है यार, बढ़िया है यार। ये क्या है, रेस्टोरेंट है होटल है, रेस्टोरेंट है भाई, नीचे इनका रेस्टोरेंट है, ऊपर भी इतना शानदार सा बना हुआ है। काबुल के अंदर ये पॉश एरिया कहा जाता है, इस एरिया का नाम क्या है, बाकी ये शरनाओ एरिया है, पॉश एरिया है यहाँ का। तो मैं कहा लगे आपको ये भी दिखा दें, काबुल के भी दो रूप है, एक है पॉश मतलब नया काबुल, एक ओल्ड काबुल है, ओल्ड काबुल भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल नया काबुल में घूम रहे हैं, और एम्बेसीज वगैरह का एरिया यहीं पर है, और मे भी थोड़े दिन के लिए हम यहाँ शिफ्ट भी हो जाए। भाई मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी काबुल में इस तरह का कुछ माहौल, लाइटें देख लो क्या ही ज़बरदस्त है, और ये देखो चिल लड़के, यहाँ जनरली लोग ना पठानी पहनते हैं, ये देखो मॉडर्न लड़के हैं यहाँ के। कैसे हो भाई जान, कैसे हो मेरे भाई, यहाँ से आपको देख के कौन कहेगा आप काबुल के हो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सच्ची में। और आप फोटो खिंचवा रहे थे क्या, फोटो खिंचा, हमारे एक प्रोग्राम था। अच्छा प्रोग्राम है, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर है, क्या बात है भाई, ये भी इन्फ्लुएंसर है यार, मेकिंग टिकटॉक और बट टिकटॉक, यूट्यूब, यूट्यूब पे क्या बनाते हो, व्लॉग्स करते हैं, क्या बात है, किस कौन से व्लॉग करते हैं, लाइफस्टाइल व्लॉग, गेमप्ले, चैलेंजिंग, चैलेंजिंग। तो भैया मैंने इनका डिस्टर्ब कर दिया आगे लगता काम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू, सेम टू यू ब्रो। और यूट्यूबर भी हैं यार अफगानिस्तान में, ये सुन के बड़ा अच्छा लगा यार। काम कैरी ऑन, सलाम मेरे भाई, कैसे हो, मैं वही कह रहा था यहाँ के लोग इस लुक और इस लुक में देखो जमीन आसमान का फर्क है, पर ये है कि सब चलता है यहाँ पे, है फुल मॉडर्न है यहाँ। अच्छा क्या नाम है आपका, डर गया मर गया, कौन डर गया और कौन मर गया। नहीं नहीं चलो सर, शुक्राना शुक्राना ब्रदर, शुक्राना। कहाँ है कैमरा मैन, अच्छा उधर, सॉरी सॉरी, कौन डर गया और कौन मर गया ये तो बता। ये देखो भाई ये रेस्टोरेंट था, और एक्चुअली मैं उस रेस्टोरेंट के पीछे से गए थे, और ये रेस्टोरेंट इनका देखो यार, ये है काबुल मेरी जान भाई साहब, जबरदस्त मजा आ गया, ये कुछ सरप्राइजिंग है, बहुत ही जबरदस्त है, आप इसको देख के कह नहीं सकते कि आप काबुल के अंदर, इतना शानदार रेस्टोरेंट है भाई यहाँ पे, मज़ेदार यार, गुड ब्रो हाय, बहुत शानदार बना हुआ यार, बहुत बढ़िया यार। कितने बजे तक खुला होता है उसके बाद, अभी शाम के कब तक है, 11 बजे तक है। वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने खा लिया, थोड़ा वॉक करेंगे ना फिर आएंगे आपके यहाँ, डेफिनेटली ट्राई करते हैं, पर वाकई मुझे बहुत मज़ा आया काबुल से, मतलब आप सोच नहीं होगे कि इस तरह के रेस्टोरेंट, इस तरह के होटल्स भी हैं यहाँ पे, वाओ सरप्राइजिंग हो गए। हम तो यहाँ घूमते घूमते आ गए थे, और हमें तो बहुत अच्छा लगा रेस्टोरेंट, इवन यहाँ के जो ऑनर है वो भी हमारे साथ ही घूम रहे हैं, उनको एक्चुअली उर्दू नहीं आती तो हमारे कैमरे के आगे नहीं आ पा रहे, पर यहाँ के लोग वेलकमिंग है, बहुत अच्छे हैं, और वो तो कह रहे खा के जाओ खाना, यार हमने कोई खाना ना खाया था, डेफिनेटली खा लेते क्योंकि यहाँ लगा हुआ बहुत बड़ा बफे। और ये एक टिकटॉकर भाई लोग हैं, ये भी आए हुए हैं यहाँ प्रमोशन वगैरह के लिए, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है इनका, VIP एरिया भी है, बच्चों का एरिया भी है, और काफ़ी शानदार एरिया, मुझे यार
अनएक्सपेक्टेड था कि भैया आपका काबुल के अंदर इतना ज़बरदस्त रेस्टोरेंट और यहाँ पे मतलब पार्टीज वगैरह भी चलती रहती हैं। सो गाइस ये है इनका वीआईपी एरिया यार, क्या बात है यार, ये अगर प्राइवेट पार्टी करनी है ना भाई, प्राइवेट पार्टी एरिया भी है यार भाई, बहुत ही प्यारी जगह है और ये ब्रॉफे इनका रेगुलर रहता है। मुझे तो आइडिया नहीं था, भाई ने बताया तो पता चला यहाँ का इनका न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर। उम्मीद नहीं थी यहाँ पे इतना जबरदस्त इतना बड़ा रेस्टोरेंट होगा, पर ये कि यहाँ पे लोग वेलकमिंग है तो हमें कह रहे हैं बैठो खाओ, पर अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है यार, सजदारो मजेदार है यार। और ये देखो बच्चों बच्चों के लिए अगर आप फैमिलीज वगैरह आती हैं, यहाँ भाई ले आया एक शानदार चाय और मैं सच तो लाइफ में पहली बार पी है, ये है अनार की चाय। अरे पर एक चीज़ मुझे अच्छी लगेगी, सिर्फ हमारे लिए कप है तुम्हारा कप नहीं है, ये गलत बात है। अभी ये भाई कहता है मैं रोज पीता हूँ, झूठ बोलते हो। अभी एक कप अपने लिए लाओ ना, मंगवाओ ना, मुश्किल नहीं है। तो भाई एक कप भाई को मंगवाते हैं, ये यहाँ पे इंचार्ज है। और एक्चुअली में हम सर तो ऐसे घूम रहे थे, घूमते घूमते हम इनके बैक गेट पे गए और उन्होंने कहा भैया आगे से जाओ, हमारा बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है। और वाकई में रेस्टोरेंट देख के दिल खुश हो गया, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी काबुल में कि इतना ज़बरदस्त रेस्टोरेंट मिलेगा। पार्टीज वगैरह फंक्शन वगैरह तो सारे होते होते, उसके अलावा यहाँ पे हर तरह का खाना भी मिलता है। ये पहली बार पी लूँगा अनार की चाय, ज़बरदस्त। और टेस्ट तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं समझा नहीं पाऊँगा, मैं फूड ब्लॉगर तो हूँ नहीं। थोड़ी खट्टी खट्टी थोड़ी मीठी मीठी। तो हमें यहाँ पे स्वीट स्वीट वो मिली है गुड़िया और ये हाई कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हाल। ज़हाल, ओके। पढ़ते हो? फारसी पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे कैसे मतलब या कैसे जाओ, कैसे मतलब घूमने आए हैं? घूमने आए हैं मैं तो इन मुर्गो उर्दू नहीं वो फारसी नहीं आता। शुक्रिया, थैंक यू। जिस रेस्टोरेंट में भाई साहब उन्होंने ना एग्जैक्टली एक पूरा बफे बना रखा है और यहाँ का एक स्पेशल मील होता है, यहाँ के लोकल लेडीज बनाती हैं। हमारे यहाँ से खेतरी बीजी जाती है ना जो हम कंजक करते हैं, वो खेतरी का ना यहाँ पे वो बना के ना अनाज का उगाने के बाद उसको सारी रात ये पीसते रहते हैं और ये हलवा बनता है। ये यहाँ का स्पेशल फूड है और यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा वैरायटी मिलती है भाई। ये कुछ इनका स्पेशल फूड स्पेशल जूस है, इन्होंने हमें ऑफर कर दिया है, ये भी ट्राई कर लेते हैं यार। सच बताऊँ पेट में जगह नहीं है पर खाने को बहुत कुछ है और ये भाई साहब जाने नहीं दे रहे, इतना तो खाया नहीं जाएगा मेरे भाई। कुछ नट्स हैं, काजू है, मुझे नहीं मालूम, आप देख सकते हो यार क्या है। मैं खट्टा होगा, मीठा है, टेस्टी है। ये हैप्पी न्यू ईयर का इनका सारा नाम मुबारक हो भाई, सारा नाम। तो चलिए भैया इतनी मेहमान नवाजी कुछ ज्यादा हो गई, खाया पिया सब बाहर आ रहा है, तो निकलते हैं अब यहाँ से और कैमरे के लिए भी बाय बाय कर देते हैं। पाजी ने पहचान लिया, दुबई में रहते हो क्या? वहाँ काम करते हो? वहाँ काम कर। और सच बताऊँ तो अफगानिस्तान को जिस नजर से देखा जाता है ना वो नजरें बिल्कुल गलत है। हम आपको असली अफगानिस्तान घुमा रहे हैं, इवन मैं कहूँगा तालिबान वाले भी जब हमसे मिलते हैं इतने प्यार से मिलते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, पूछो मत। आप कभी भी आओगे आपका खुले दिल से ये स्वागत करते हैं। बल्ले बल्ले बल्ले, वो सच्ची में बहुत खुले दिल से स्वागत करते हैं। आकर देखो, मजा आ गया यहाँ के लोगों से सच्ची में। जाता हूँ भाई, आपका मुर्गी अफगानिस्तान हिंदुस्तान से भाई भाई। तो भाई साहब ये देखो मार्केट है पूरी यार, और बस वॉक करते हुए निकल रहे हैं। ये जो एरिया है ना ये वाकई में एरिया बहुत ही शानदार है। देखो यार यहाँ पैकिंग में किस तरह से ना ब्रेड्स बिकती हैं, दुकान बंद है, अंदर बनाते हैं, धूल मिट्टी ना आए। आप उर्दू जानते हैं? थोड़ा सा जानते हैं। आप शुरू से यहीं से या पाकिस्तान गए थे बीच में? पाकिस्तान गए थे तो तभी थोड़ा उर्दू आता है, उर्दू और हिंदू सेम से मैंने तो समझने में आसानी रहता है। सही है, तो कितने का बिकता है ये ब्रेड यहाँ पे? ये वाला 20 रुपए का, और ये वाला नान कितने का? ये भी 20 का है, वो 10 का है। और लोग यही ज्यादातर लेके जाते हैं और यही खाते हैं। एक ये और एक ये दे दो, पैक कर दो। तो भाई हमने भी ले लिया भाई, ये सभी लोग खाते हैं तो भैया हम भी यहाँ के तो हम भी खाएंगे। मीठी वाली वो कहते हैं कुछ, पता नहीं क्या कहते हैं। इसका नाम क्या है जी? इसका नाम जवारी। जवारी और ये इसका नाम क्या है? बुलानी। बुलानी, बुलानी। ठीक है ठीक है। तो भैया झलक देख लो, हमें उम्मीद नहीं थी कि काबुल के अंदर इतनी चहल पहल होगी। एक मॉल जो हमने वो देखा था वो है, उसके अलावा ये देखो क्या ही जबरदस्त बिल्डिंग है, पर इस वक्त क्लोज हो चुकी है। लाइटिंग वाइटिंग का माहौल देख लो, ये काबुल है मेरी जान, देख लो आप जबरदस्त माहौल है यहाँ का। और बहुत सारे लोग मिले हैं, आज तो दिन बन गया, शायद आपको मज़ा आया हो। और कल हम अपना छोटा सा काम करके फिर निकलेंगे अपने और आसपास की जगहों पे। तो भाई को एक्सप्लोर फॉलो कर लेना, और ज़िंदगी छोटी सी है, दुनिया बहुत बड़ी है, तो हंसते रहो मुस्कुराते रहो, प्यार बरसाते रहो, भाई को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और एक्सप्लोर के फ़ायदे उठा लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऐप है भाई, नीचे बायो में डिस्क्रिप्शन दिया है, मेड इन इंडिया ऐप है। मिलते हैं, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।